कर लेते हैं, यहां पर भी कोरोना की रफ्तार तेज होती दिखाई दे रही है। 24 घंटे में 11,708 नए केस सामने आए हैं। हालांकि मौतों का आंकड़ा घटा है, 84 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। इंदौर में सबसे अधिक मरीज मिले हैं 1,753 और भोपाल में 1,576 नए मरीज मिले। वहीं ग्वालियर में 910 मरीज सामने आए हैं। जबलपुर में 795, उज्जैन में 370 मरीज मिले। वहीं रतलाम में 380 और प्रदेश की अगर बात करें तो कोरोना के 95,423 एक्टिव केस हैं। प्रदेश में अब तक 6,49,114 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं और 5,47,447 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटे में 11,708 नए केस मिले और 84 लोगों ने कोरोना के चलते दम तोड़ा। वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो 24 घंटे में 13,628 नए केस सामने आए हैं। वहीं 208 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। रायगढ़ में सबसे अधिक मरीज मिले, 1,238 मरीज रायगढ़ से सामने आए। वहीं जांजगीर चांपा में 1,144 और रायपुर में 818 मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 506, बिलासपुर में 605 मरीज सामने आए। वहीं सूरजपुर में 661 मरीज मिले हैं। प्रदेश में कोरोना के 1,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं और 8,00,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज प्रदेश में मिल चुके हैं और 6,88,918 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो बीते 24 घंटे में 13,628 केस छत्तीसगढ़ में मिले हैं। तो रायगढ़ में सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं, 1,238 मरीज रायगढ़ से मिले। वहीं जांजगीर चांपा में 1,100